नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। और कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अपने अपने घर में सब ठीक होंगे। और फ्रेंड्स, आज है अष्टमी, तो आप सब लोगों को सबसे पहले अष्टमी की शुभकामनाएं। सप्तमी और अष्टमी आज इकट्ठी है, तो आज हम लोग कर रहे हैं कंजक पूजन। तो ये जो है ये मैं बना रही हूँ चने। चने यहाँ पे मैंने जो है पूरी रात भिगोने के लिए रख दिए थे, और शाम का व्लॉग मैंने आपके साथ शेयर किया था रात का, साबूदाना की खिचड़ी। अगर आपने वो वाला नहीं देखा है तो ज़रूर देखिएगा। तो चने यहाँ पे बॉईल हो गए थे, और आज मैं बना रही हूँ इस पतीले में चने। ये पतीला जो है ये मोटा और भारी वाला पतीला है। पहले इन्हीं पतीलों में जो है खाना बनाया जाता था, लेकिन अब जो है धीरे धीरे जो है कुकर और ये सब चीज़ें आ गई हैं, तो अब उसमें कन्वर्ट हो गया है सारा कुछ। लेकिन ये पतीला जो है बहुत ही अच्छा है और भारी है, तो इसमें जो है काफ़ी देर तक जो है ये मतलब सब्जी जो भी आप बनाओगे बहुत देर तक जो है गर्म रहता है। तो इसमें बनाने का पर्पस यही था कि जो चने हैं काफ़ी देर तक अच्छे से गर्म रहें, और जब तक मतलब कंजकें आए तब तक जो है ये गर्म रहें। तो यहाँ पे बातें बहुत होगी, अभी जो है इसको बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पे मैंने डाल लिया है ऑयल पतीले में, और ये जो देख रहे हो आप कटोरी में, ये मैंने मसाला लिया है, नमक मिर्च हल्दी मसाला जो मतलब हमें इसमें चने में करना है, डालना है। तो डियर फ्रेंड्स, अगर आप चने इस तरह से बनाते हो ना ये प्रसाद वाले, तो बहुत ही ज़्यादा स्वाद बनते हैं। तो यहाँ पे मैंने जो है सारी चीज़ें देखिए मिक्स कर ली है, मिर्ची पाउडर नमक और हल्दी और मसाला, ये चार चीज़ें मैंने यहाँ पे मिक्स करी हैं। तो बस क्योंकि प्रसाद बन रहा है तो ज़्यादा इसमें हम यही चीज़ें हम इसमें ऐड करेंगे। तो यहाँ पे देखिए तेल गर्म होने में भी काफ़ी टाइम लग गया था इस पतीले में, लेकिन तेल यहाँ गर्म हो गया है। तो यहाँ मैंने डाल दिया है जीरा, जीरा मैंने 2 स्पून डाले हैं, क्योंकि चने तो ज़्यादा हैं तो उस हिसाब से मैंने यहाँ जीरा ऐड कर दिया है। और अभी मैं ये डाल दूँगी मसाला इसमें, और थोड़ी देर के लिए हम इस मसाले को पकाएंगे। और थोड़ा सा पानी मैंने कटोरी में जो मसाला लगा था उसमें डालकर जो है यहाँ पे ये पानी देखिए यहाँ पे डाल दिया, और अभी जो है हम इसको थोड़ी देर पकने देंगे। और एक चीज़ हम इसमें और ऐड करेंगे, तो यहाँ मैं ऐड करूँगी इसमें कस्तूरी मेथी। ये देखिए इससे जो है ये प्रसाद वाले चने बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बन जाते हैं। आप एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा अगर आपने ऐसे नहीं बनाए हैं तो। और बस फिर यहाँ पे इसको थोड़ी देर हमें पका लेना है, और जैसे ही ये पक जाएगा वैसे ही हम ऐड करेंगे इसमें चने। थोड़ा गहरा है पतीला, शायद आपको दिख नहीं रहा है इसमें मसाला, लेकिन ये देखिए मैं दिखाती हूँ, ये देखिए कितना अच्छे से जो है इसमें मसाला मतलब पक गया है। और अभी मैं इसमें ऐड करूँगी चने, तो यहाँ पे चने में ऐड कर दूँगी, और चनों में अभी थोड़ा पानी था तो वो भी मैं इसमें ऐड कर दूँगी, क्योंकि उसी पानी में जो है इसको मैं चनों को अच्छी तरह से पकाऊँगी। तो जब ये पकेंगे थोड़ी देर के लिए तो जो पानी है वो सूख जाएगा, और जो मसाला हमने मसाले वाले हमें बनाने हैं मतलब जो मसाला हमने ऐड किया है वो अच्छे से जो है चनों में एब्जॉर्ब हो जाएगा। तो बस यहाँ पे मैंने इसको कर लिया अच्छे से मिक्स, और बीच बीच में इसको चलाते रहूँगी थोड़ी देर के लिए जो है पानी सूखने तक जो है इन चनों को हम चलाते रहेंगे। तो यहाँ पे जो है काफ़ी देर चनों को मतलब पकते हुए हो गई है, पानी जो है अच्छे से यहाँ पे सूख गया है ये देखिए। और ये देखिए चने जो है बनके बिल्कुल रेडी हो गए हैं, सूखे मसाले वाले चने, तो बहुत ही ये टेस्टी बने थे, और आई होप आपको अच्छे लगेंगे। जब और यहाँ पे चने बनके रेडी हो गए हैं, अभी मैं कर दूँगी गैस को बंद, और हम जो है करेंगे पूरियाँ बनाने की तैयारी। तो डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने गेहूँ का आटा लिया है, और साथ में ली है मैंने सूजी। सूजी इसलिए ऐड की है क्योंकि जब हम ये पूरियाँ बनाएंगे तो ये बहुत ही क्रिस्पी सी और बहुत अच्छी बनी। और आप चाहें तो आटे में नमक भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे नमक नमक ऐड नहीं करूँगी। और साथ में मैंने ऐड करी है अजवाइन थोड़ी सी, तो अभी हम जो है इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे सूजी आटे और अजवाइन को, और फिर हम इसमें मेयोन के लिए डालेंगे ऑयल।
ऑयल घी जो आप यूज़ करना चाहते हो वो कर सकते हो, जो करते हो मतलब। यहाँ पे दो जो है सर्विंग स्पून मैं यहाँ पे डालूँगी, क्योंकि आटा थोड़ा ज़्यादा था तो उसके हिसाब से मैंने यहाँ पे ऑयल डाल दिया है। और बस फिर अभी जो है हमें पहले इसको आटे को इसी ऑयल में जो है अच्छी तरह मिक्स कर लेना है, और फिर मैं इसको जो है गूंद लूँगी आटे को। ये देखिए बिल्कुल अच्छे से जो है ऑयल मैंने इसमें मिक्स कर दिया है। अभी मैं इसको गूंद लेती हूँ आटे को। फ्रेंड्स यहाँ पे आटा गूंद लिया है मैंने, और थोड़ा सा ऑयल में इसमें लगा दूंगी। और अभी हम नहीं बनाएंगे पूरी, थोड़ी देर के लिए जो है आटे को रेस्ट के लिए रख देंगे, और तब तक मैं बनाऊंगी प्रसाद हलवा। और इसको जो है मैं ढक के अभी रख दूंगी। अगर हम इसको पूरी बनाने वाले आटे को थोड़ी देर के लिए गूंद के रख देते हैं तो बहुत ही अच्छी फुली फुली सी पूरी जो है बन के रेडी होती है। और यहाँ पर आप देख रहे हो यहाँ पर मैंने डाला है घी, देसी घी मैंने डाल लिया है, और आप देख रहे हो कि ज़्यादा सा डाला है। तो मैं एक चीज़ आपको बता दूं, जब भी आप सूजी का हलवा बनाओ तो पहले ही जो है घी प्रॉपर मात्रा में डाल दो, तो हलवा जो है बहुत ही अच्छा बन के रेडी होता है। और यहाँ पे मैंने एक बड़ी कटोरी जो है सूजी इसमें डाल दी है, और अभी जो है इसको कर लूँगी मैं अच्छे से मिक्स। और ये जो है अभी मतलब इसको हमें भून लेना है, जब तक ये जो है हल्की सी ब्राउन नहीं हो जाती सूजी तब तक हमें इसे भूनना है। और पहले तो देखिए सूखी लग रही थी, लेकिन धीरे धीरे जो है इससे घी जो है अब छूटता रहेगा। और ये देखिए यहाँ पे जो है सूजी ब्राउन सी हो गई है, और अभी जो है हम इसमें डालेंगे पानी। तो ये पानी जो है मैंने यहाँ पे गर्म कर लिया था, और पानी जो है बहुत ही सावधानी से यहाँ पे डालना है, क्योंकि जो एकदम पानी डालते हैं ना तो सूजी जब गर्म होती है तो बहुत ही वो होता है, लेकिन गर्म पानी आप डालो तो इतना ज़्यादा वो नहीं होता है। तो यहाँ फिर मैंने जो है एक कटोरी चीनी भी इसमें ऐड कर दी है, और हम यहाँ पे ऐड करेंगे इसमें थोड़ा सा दूध। तो डियर फ्रेंड्स, अगर आपको दाने बिल्कुल दानेदार हलवा बनाना है सूजी का, तो ये जो है बहुत ही अच्छा एक मतलब सीक्रेट समझ लो आप, सीक्रेट है हलवा बनाने का। इससे जो है आप देखना कितना अच्छा हलवा बनेगा, पूरी सूजी का एक एक दाना जो है खिल के रेडी होगा। आप ये देखिए आपके सामने पूरा रिजल्ट है, कितना अच्छे से हलवा ये बन गया है। और अभी जो है बिल्कुल ये बन के रेडी हो गया है। आप चाहें तो इलायची पाउडर ऐड कर सकते हो, जो आपको पसंद हो कर सकते हो, लेकिन मैंने यहाँ पे कुछ भी यहाँ पे ऐड नहीं किया है। और ड्राई फ्रूट्स में मैंने यहाँ पे सिर्फ बादाम डाले हैं। तो ये डियर फ्रेंड्स हलवा भी यहाँ बन के यहाँ पे रेडी हो गया है। और अब बारी आती है पूरियों की। तो यहाँ पे जो है पूरियाँ मैंने बेल के रख दी थी, और ये देखिए आप बिल्कुल फुली फुली सी पूरी जो है यहाँ पे बन के रेडी होने वाली हैं, क्योंकि आटे को हमने गूंद के थोड़ी देर के लिए रख दिया था रेस्ट के लिए। तो जो है पूरी बहुत ही अच्छी बनने वाली हैं। तो बस फिर यहाँ पे मैं जितनी मुझे पूरियाँ बनानी है वो मैं यहाँ पे बना के रेडी कर लूँगी। तो डियर फ्रेंड्स यहाँ पे जो है सारी पूरियाँ अभी बन के रेडी हो जाएंगी, और अभी मैं आपको दिखा देती हूँ प्रसाद जो मैंने बना के रख दिया है। ये देखिए प्रसाद की थाली यहाँ पे मैंने रेडी कर ली है, और जो मिठाई वगैरह है वो मैंने बाहर ही रखी है माता की उसके पास चौकी के पास, तो वहीं पे अभी मैं ये लेके जाने वाली हूँ। तो उसके बाद यहाँ पे मैं आ गई थी अभी जो सारा मतलब प्रसाद वगैरह सब कुछ बनाने के बाद हम अभी हमारी जो है यहाँ पे पूजा जो है शुरू हो गई है। बस अभी हमारा जो भी रहेगा पाठ आरती वो सब करने के बाद फिर हम करेंगे कंजक पूजन। आई होप आपको जो है मेरी वीडियो अच्छी लगेगी फ्रेंड्स। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आप लाइक शेयर ज़रूर कीजिए, और अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल में विज़िट कर
रहे हो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें, और ताकि आपको और बेल आइकन के बटन को जो है आप ऑल पे सिलेक्ट करें ताकि आपको जो है मेरी हर वीडियो की जो है नोटिफिकेशन मिल जाए और आपको जो है चैनल सर्च ना करना पड़े। तो एक बार फिर से आप सब लोगों को दुर्गाष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। माता रानी सबके दुख दूर करें, सबकी जो है मन की इच्छाएँ पूरी हो। और अभी मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड थैंक्स फॉर योर लवली सपोर्ट।